वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल GKN वर्कशॉप पर। दोस्तों ये मेरे पास में BS6 साइन बाइक आई हुई है और ये बाइक कुल मिला के चली हुई है 30,000 किलोमीटर लगभग ये चल चुकी है यहाँ पे। तो बाइक में हो क्या रहा था, पेट्रोल रहने पर भी पेट्रोल ना रहते हुए जैसे चलती है बाइक बगैर पेट्रोल की, उस टाइप में इसमें मिसिंग था। तो मैंने इसका फ्यूल पंप ओपन किया है, फ्यूल पंप है इसका और ये पीछे का कैप है, तो इस तरीके से है ये। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे सारा डस्ट लगा हुआ है, कचड़े भरे हुए हैं और इसका फ्यूल का फिल्टर, ये फ्यूल पंप का फिल्टर है। तो इसकी कंडीशन भी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से इसकी कंडीशन हो गई है ये। दूसरा चीज़ हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको, तो यहाँ पर भी पूरा कचरा भरा हुआ है यहाँ, और यहाँ पे निकला हुआ है ये थोड़ा बहुत। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा डस्ट था जिससे बाइक में प्रॉब्लम आ रही थी मिसिंग की, स्टार्टिंग में भी दिक्कत हो रही थी। तो आपके पास में होंडा बाइक है, स्कूटर है या फिर मोटरसाइकिल है जिसमें आपका कोई भी सी BS6 बाइक है और उसमें फ्यूल पंप दिया हुआ है, तो फ्यूल पंप के साथ उसमें फ़िल्टर होता है, तो ये फ़िल्टर आप एक बार ऐसे चेक करा लें आपकी बाइक में मिसिंग की प्रॉब्लम आती है तो। यह सर्विस में आप ऐसे 20,000 किलोमीटर में एक बार ऐसे ओपन कराकर चेक करा लें ताकि बाइक में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये डस्ट धोखे से अगर अंदर जाएगा, यहाँ पे हमारा इंजेक्टर का पाइप होता है तो यहाँ पे अंदर अगर थोड़ा सा इससे भी बहुत बारीक सा चलक गया तो इंजेक्टर ब्लॉक हो जाता है। तो ये फ्यूल फिल्टर आपको मिलेगा, यहाँ पे पार्ट नंबर आप देख पा रहे होंगे, तो ये आपको सर्विस सेंटर पर ही मिलेगा। 300 रुपये का फिल्टर है ये, इस तरीके से रहता है ये फिल्टर। और दूसरा चीज़ एक्टिवा और SP साइन में ये वाला फ़िल्टर फिटिंग होता है, तो ये भी आपको 300 रुपये का ही मिलेगा। तो इसका पार्ट नंबर भी यहाँ पे है, तो इसमें इसका कैप भी दिया होता है और फिल्टर कुछ अलग टाइप में है इसमें, और ये साइन बाइक में इस टाइप का है ये लीवो साइन और आपका CD 110, उसमें आपका ये वाला फ़िल्टर फिटिंग होगा। और एक्टिवा स्कूटर में दूसरा चीज़ SP साइन में ये वाला फ़िल्टर फिटिंग होता है, तो आप एक बार इसे ज़रूर चेकआउट कराएं।